हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ संजय रावत और आप सभी का स्वागत है संजय रावत ब्लॉग्स में। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, भी एकदम फर्स्ट क्लास है और आज का ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है शाम के 5 बजे से। और मैं आज आ रखा हूँ एरोली गाँव में, तो चलिए आपको भी ले चलते हैं आज एरोली गाँव में। और आपको मैंने कभी बताया भी नहीं था कि एरोली गाँव मेरे पापा का ननिहाल भी है, तो चलिए आपको पापा के ननिहाल में ले चलते हैं। बने रहेगा ब्लॉग में। वैसे तो आप लोगों ने काफ़ी सारे ब्लॉगों में भी देख रखा है एरोली गांव, लेकिन फिर से ले चलते हैं आपको, तो बने रहेगा ब्लॉग में। तो मैं अभी पहुंचा हूं ठीक मल्ली एरोली के सड़क पे। ये रही मल्ली एरोली की सड़क और यहाँ पर भी है एक घर जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी सारी ये हरियाली हो रखी है, यहाँ पे बेल वगैरह हो रखी है। और ऊपर रहा मेरा घर, इधर को नज़र आ रहा है थोड़ा सा कदोला गाँव। ये देखिए, तो कदोला तक तो पक्की सड़क है लेकिन यहाँ तक कच्ची सड़क है। बाकी मौसम की भी बात की जाए दोस्तों, तो ये देखिए मौसम भी एकदम बदल चुका है। थोड़ी देर पहले थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई, मैंने बोला क्या पता ना जा पाऊँ मैं, लेकिन आ ही गया। तो दोस्तों, सबसे ऊपर पड़ती है भैरव बाबा मंदिर। जय हो भैरव बाबा की, जय भैरव बाबा। तो आपको थोड़ा यहाँ पर से भैरव बाबा के दर्शन भी करा ही देते हैं। जय हो प्रभु। अभी मैंने जूते पहन रखे तो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। जय हो भैरव बाबा। ये रहा भैरव बाबा का मंदिर। बाकी यहाँ पर पेड़ भी देखेंगे आप तो काफ़ी बड़ा पेड़ है ये, खड़ी का, हमारे यहाँ खड़किया कहा जाता है इसे। यहाँ पे आप घंटियाँ भी देखेंगे तो काफ़ी सारी घंटियाँ भी हैं, लोगों की मन्नत पूरी हुई होंगी तो उन्होंने यहाँ पर घंटियाँ ला रखी है, या फिर मंदिर की ही रही होंगी क्योंकि ये नई बनी तो इस पर पूरी घंटियाँ हुआ करती थी, पहले उन्होंने यहाँ पर बांध दी है। और सोहन जी ठीक ठाक? दयाल मुख बस बढ़िया। बस तुम्हारी गोलाग आज पत्थरों को भी देखेंगे दोस्तों। ये भी पता नहीं बहुत पुराने पत्थर हैं, काफ़ी बड़े पत्थर हैं। ये देखिए, मैंने भी जब से यहाँ आया हूँ ये इन पत्थरों को यहीं पर ऐसे ही देखा है। यहाँ पर भी देखेंगे आप तो ये गौशाला बंद हो रखी है, तो इसके आंगन में इन्होंने कद्दू की बेल फैला रखी है और 2 मक्के के पौधे हैं जिनमें भी मक्की नहीं आई है, भुट्टा। और इधर भी आगे को कुछ परिवार रहते हैं, कुछ घर आगे को भी हैं। बाकी यहाँ पर से एक घर तो ये खंडहर ही नज़र आ रहा है। ये देखिए, सारे घर बंद ही पड़े हैं। एरोली गांव में भी बहुत सारा सा बहुत ज़्यादा पलायन हो रखा है, सब घर बंद है। हेलो 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 गाइस, कैसे हो गाइस? क्या कर रहे हो? बढ़िया बढ़िया। खूब बोलो, संजय गया संजय गया। क्या कहो इंसान है? क्या कह लुक गया ही? अब नहीं आना संजय समणी। नमस्ते 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 मैं और नमस्ते करना जो बल हाई पापा और का छी। अच्छा, बैडमिंटन खेला जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए
अरवली गांव की लड़कियां खेल रही हैं, बहुत बढ़िया बैडमिंटन। बढ़िया बढ़िया, खेलो खेलो आप। तो दोस्तों इधर भी ये देखिए, कद्दू के बेल काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं। ये पूरा तो ये तो इसने तो घर को ही छिपा दिया है बेल ने। यहाँ देखिए पूरा घर खतरनाक तरीके से खंडर हो रखा है। बाकी चलिए आगे को चलते हैं। यहाँ पर जय नरसिंह देवता, यहाँ पर मंदिर है शायद। जय हो प्रभु। कद्दू के बीज भी सुखाने के लिए रखे हैं यहाँ पे, लेकिन मौसम ऐसा हो गया है, अंदर भी नहीं रखे, भूल गए हैं शायद। बाकी लौकी की बेल, सूरजमुखी देखेंगे आप, यहाँ तो काफ़ी सूरजमुखी भी हो रखी है। राहुल, यहाँ चाची जी की मशीन चल रही है, राहुल भाई की मम्मी की। यहाँ पर देखिए हमारी चाची जी लगे हैं सिलाई करने पे। ठीक ठाक छवा, ठीक ठाक छवा। हाँ, और गारम मतलब सिलाई होनी तुम्हारे, क्या सिलना छो? ब्लाउज? टेलर मास्टर जी हमारा, बढ़िया बढ़िया। चला कर रहे तुम वहाँ? अच्छा बेटी बोरी पहाड़ की है उससे। ठीक ठाक। ये आरब, आरब रे सर, मैं जाऊँ आपकी अच्छी तो आदत नहीं पड़ ब्लॉग हमारे की। हेलो आरब, हेलो। मैं बोलूँ जब घूम दिया पता नहीं कदर दूर से आरब वक्त में आ जाऊँ जो वो अमेर सामने से। नमस्ते। हेलो, नमस्ते भैया। हाँ पहुँच गया, नमस्ते। हाँ तो पहली चल गई बच्चा नहीं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बैठा छो? नमस्ते, बैठा छो वहाँ? ओ नमस्ते चाची, सॉरी नमस्ते भी नहीं बोल, नमस्ते। के करना चाहो, चुआ करना चाहो क्या? अच्छा उन्दाई ची क्या हो? बा तो दोस्तों इधर साइड को सारी गौशालाएं नजर आ रही है नीचे को। एरोली गांव में एक तरफ हो गई सब लोगों की गौशालाएं, और यहाँ देखेंगे आप तो बहुत कम देखने को मिलते हैं ये ओपले। उपले भी बना रखे हैं इन्होंने दीवारों पे। तो चलिए राहुल भाई लोगों की गौशाला पता नहीं कितनी दूर है। हाँ जी, आवाज़ तो आ गई है मुझे चाचा जी की। ये देखो दोस्तों ऐसे। नमस्ते, नमस्ते बा, नमस्ते। धुआं लगाना खुल जाना ही है मछरू है लाई। चलो ठीक चाचा, इन ले जानी अक्की, इन ले जाना मतलब भाई छानी उम जरा। तो दोस्तों गाय बच्चियों को ताकि मच्छर मक्खी ना खाए, तो ये उपले जला के ले जा रहे हैं ऐसे। मैं मुझे भी यहाँ पहली बार देखने को मिला ऐसा। ठीक चिक्की छन, हेलो, नमस्कार। कैसे हो डॉक्टर साहब? भी भाई दोस्तों पहुंच गए हैं। दोस्तों यहाँ पर आप ये ओपले देखेंगे ना, बहुत साल पहले मैं भी बनाया करता था ऐसे इन ओपलों को, लेकिन अब नहीं बनाते हमारे यहाँ ऐसे। देखिए तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो चौलाई भी काफी सुंदर नजर आ रही है। ये देखिए इसके लड्डू भी बनते हैं चौलाई के। इधर साइड को तो छोटी सी है, बाकी मैं आज आ रखा था अपने ब्लॉगर साहब के घर पे। संजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपके शुभ चरण हमारे गांव में पड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा नहीं हो गए शुभ चरण? पर संजय भाई का नुकसान भी हो गया, घड़ी भी टूट गई है। चलो कोई बात नहीं, राहुल भाई ने बोल रखा है मैं नहीं दिलाऊंगा एप्पल की, वो भी बोल रहे हैं आई वॉज दिलाऊंगा, देखते हैं। यार बोलियो तो कभी पूर्ण नहीं हूं था, 10 रुपए का पिन लगा दूंगा। नहीं यार अच्छा, यही गाड़ छाते गौड़ फेरा जो मरना होना फोपट करो जो।
और मैं समझ लेता नहीं हूं मैं। अच्छा यू किया क्या कर दिया? अच्छा अच्छा चलो क्यों घास बड़ी लगा लगा ले इंजेक्शन लगा के। नमस्ते, हाँ तुम ठीक छो? सब बढ़िया है, घास बड़ी सब ठीक छी सब छन्यू क्या भाई? नमस्ते। अरे हाँ तुम ठीक छो? हाँ सब बढ़िया, तुम्हारे घर में सब बढ़िया? चलो बैठ, बाय बैठे जाओ सब यहाँ ना तो करता बाय। ब्यालो है और बंद हो दोस्तों, यहाँ भी सब घर बंद हो गए हैं, ताले देखेंगे आप तो काफी बड़े बड़े ताले भी लगा रखे हैं, तो खजाना छिपा है अंदर। बाकी दोस्तों ये रहा मेरे पापा के ननिहाल वालों का घर, तो मैंने तो देखे नहीं थे उन्हें कभी, पापा ने भी शायद देखा होगा कि नहीं देखा होगा। तो ये था मेरी दादी का मायके वालों का घर, बहुत ही अच्छा है लेकिन अब कोई नहीं रहता है यहाँ। बाकी यहाँ पर भी थी एक नानी, भूत नानी, वो भी नहीं है अब घर पे, वो भी एक्सपायर हो गए हैं, नहीं तो वो भी बहुत बार आते थे हमारे यहाँ। सदन कुराई कोई निराई। और दोस्तों यहाँ पर आप धतूरा भी देखेंगे, धतूर भी हो रखा है यहाँ पर, तो इस धतूर को मेरे ख्याल से राहुल भाई खाते हैं कभी कभी। और बाकी यहाँ पर है पंचायती चौक, यहाँ पर जब भी पूजा वगैरह हुई जाती है तो यहाँ पर पूजा पाठ होता है। बाकी कुछ इधर के घर भी ऐसे हैं, क्या बोलते हैं इनको, तिवारी वाले घर है ना, तिवारी वाले घर, हाँ उधर नीच, जो कि ये भी खंडर हो चुके हैं दोस्तों, अंदर तक पूरा घास उग रखा है। ये देखिए सब घर बंद, बहुत कम लोग रह गए हैं एरोली गांव में भी। बाकी दोस्तों इधर कर रखा है इन्होंने टीन शेड पंचायत भवन के लिए, ये रहा एरोली गांव वालों का पंचायत घर, पंचायत भवन। बाकी सब घर इधर भी, ये वाला घर भी बंद ही नज़र आ रहा है, कोई नहीं है, घरों पे भी ताले लगे हैं, तालों के ऊपर भी पॉलीथीन बांध रखी है। ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी पटो मा। नमस्ते, ठीक ठाक छो? आ रहा देख हाल मिलू, बट कुछ नहीं बोले मैं था आधे दिन पूरे वीडियो माने की सीधे दिन लियो ना सेन राहुल है रे आरब कदम पड़ी ना आरब तू आंगनबाड़ी में बोल रहे बोल दी नहीं बोलना कुछ नहीं भी शर्माणो जो चाची जी लगी है सिलाई करने पे, धुआं भी लगा रखा उन्होंने यहाँ पे, ओबला जला रखा है। पैंट सिलना चाहे बढ़िया लगिया रहा तुम। चला ठीक जी मिनी कुलुंजो है ना, चला ओके, आप ध्यान रखे हो, बाय बाय चाची जी, चलो ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चाची जी। चलो चाचा जी ठीक है, बैठ क्या, चलो आओ तुम भी। हाँ है कख रहे बाबू, ये की रहना है तुम्हें ध्यान नहीं रहो कदम प्यार जान दे बाबू मैं तो ही चलता है मैंने मिलना है लोग अपन ले दिखा दिया जरा सिक्स पैक जरा हो जाए जरा एक बार सिक्स पैक भाई किधर है। तो चलिए भाई दोस्तों अब निकलते हैं हम एरली गांव से क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, रात हो गई थोड़ी देर हम बैठ गए तब जाके थोड़ा लेट हो गया।